नमस्कार, लाइव न्यूज पिलानी चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम खेल मैदान डुलानिया में हैं, जहां पर आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कबड्डी खेल का आयोजन करवाया गया और यहां पर पूरे दिन भर खेल चले। करीब 32 टीमों ने यहां पर भाग लिया और इस ग्रामवासियों ने शिक्षक दिवस के ऊपर पर ये खेल कराने का संकल्प लिया कि शिक्षक दिवस के ऊपर कम से कम संडे था वो अलग बात है, लेकिन एक खेल का आयोजन किया जाए जिससे खिलाड़ियों में, युवा पीढ़ी में एक सकारात्मक सोच बनी रहे और खेलों में युवा जो हैं अपना करियर बना सके। इनसे जानते हैं इन खेलों के आयोजन के बारे में और शिक्षक दिवस के ऊपर जो आयोजन रखा, क्या कहना चाहेंगे सीसराम जी, जिस प्रकार से गांव में ये आयोजन कराएगा? आज हमारे गांव में पहली बार कबड्डी प्रतियोगिता का समायोजन हुआ, उसमें फाइनल में चोमू और छापड़ा का मैच हुआ, जिसमें चोमू विजेता रहा, छापड़ा उपविजेता रहा। सभी टीमों ने अच्छा निष्पक्ष भाव से खेली हैं और उनका अच्छा सहयोग रहा है। गांव के लोगों ने भी उनका बहुत अच्छे तरह से सहयोग किया है और पूर्ण एकदम से खेल संपन्न हो गया और गांव के लोग और सभी टीमें बहुत उत्सुकता से मतलब खेले और उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आज शिक्षक दिवस भी था और एक आप आदर्श शिक्षक हैं और इस प्रकार का आयोजन डुलानिया गाँव में। अंडर 60 वेट वाले बच्चे खेले हैं, बिल्कुल दी सेम ऐसा का ऐसा गेम जैसे प्रो कबड्डी में टीवी में देखते हैं ना, उन खेलों में और आज ये बच्चे खेले, इन खेलों में कोई अंतर नहीं देखा हमने। टीवी के ऊपर खेलने लायक खेल था। आज टीचर्स डे था तो टीचर्स डे के ऊपर आपने ये सौगात दी है, खेलों का आयोजन करवाया, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना की बीमारी से पिछले 2 वर्षों से शिक्षक दिवस नहीं मना पा रहे थे स्कूलों में, लेकिन उसके बावजूद भी आपने मौका दिया है, लेकिन युवाओं को और विद्यार्थियों को कैसे शिक्षा से जोड़ा जाए और कैसे मोटिवेट किया जा सकता? खेलों के माध्यम से ही। आज देखो ये प्रो कबड्डी हुआ है, आगे वॉलीबॉल होंगे, फिर स्पोर्ट्स होंगे, नया नया हमारा स्टेडियम तैयार हुआ है, तो इसका हम सदुपयोग करेंगे। सभी ग्रामवासियों का सहयोग है और नौजवान टीमें चोमू तक से, जयपुर से चल के टीमें आ रही हैं, तो हम तो जैसा कि BDC मेंबर श्री राम ने कहा कि हमारे गांव में ये पहला कबड्डी का आयोजन हुआ है, बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, बहुत खुशी की बात है और आयोजन पूर्ण शांतिपूर्ण रहा, इसमें सभी की खुशी है और मैं आशा करता हूँ कि हर वर्ष इसी तरह से आयोजन होते रहेंगे, मेरी यही कामना। आज का जो खेल प्रो कबड्डी का खेल प्रतियोगिता हुई है, इसमें हम सभी ग्रामवासी इतने खुश हैं और आखिरी 2 मैच हुए हैं उसमें तो हमने 11,000 का करंट भी देखने को मिला है। चोमू टीम के जो खिलाड़ी हैं वो ऐसे खिलाड़ी नजर आ रहे थे, आकाश से बिजली गिरती है उसमें भी टाइम लगता है, लेकिन वो पलक झपते ही पॉइंट लेके आ रहे थे, तो पूरे ग्रामवासी इस चोमू टीम को तो इतना आशीर्वाद देना चाह रही है कि हम इनको हर वर्ष यहाँ बुलाना चाहेंगे, हर वर्ष ये प्रोग्राम करना चाहेंगे, बच्चों को मोटिवेट करेंगे, आयोजक हैं उनकी सहायता करेंगे और दर दिन दूना चौगुना प्रतियोगिता करवा के हम प्रति वर्ष कोशिश करेंगे सभी ग्रामवासी इस प्रकार की प्रतियोगिता जरूर इस ग्राउंड में हो और हमारे गांव का नाम हो, सरपंच का हो, प्रधान का हो और हमारे ग्रामवासियों का हो। हम चाहेंगे कि सभी ग्रामवासी जिस प्रकार से अभी इन्होंने सहयोग किया है, इसी प्रकार से आगामी प्रतियोगिताओं में हम सहयोग देते रहेंगे, पूरा सहयोग करते रहेंगे और इसी प्रकार से हर वर्ष इन टीमों को बुलाएंगे और इनको आशीर्वाद से खिलाएंगे और इनको ये इनाम वगैरह जो है पूरा गांव सहयोग करके इनको देता रहेगा। कोई भी मैच हो चाहे किसी भी गेम का, रेफरी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और जब तक वो सही डिसीजन नहीं देता खेल का मज़ा भी नहीं आता, लेकिन ये मोरवा से हैं केर सिंह, इनका निर्णायक इतना अच्छा था कि यहाँ पर देखने वालों ने और हर खिलाड़ी ने, हर टीम के सदस्य ने इनकी तारीफ की, इनका हर निर्णय बिल्कुल स्टीक था। तो क्या सोच के आए थे आज यहाँ पर इस टूर्नामेंट में जब आप उतरे, थोड़ा दबाव भी होता है निर्णय का देने का? देखो रेफरी कोई भगवान तो होता नहीं है, दबाव तो रेफरी पर भी होता है, पर जो दबाव से निकल के डिसीजन दे वो एक गुड रेफरी होता है और दोनों टीमों का कोई भी बिना पक्षपात किए हुए डिसीजन दिए और फेयर प्ले करवाए वो बहुत अच्छा रेफरी होता है और इसके साथ में कोई भी खेल भावना से खेल होना चाहिए और मैं खुद इसी गेम से बिलोंग करता हूँ तो मेरे को इस गेम के सारे नियम कानून हर चीज़ से वाकिफ हूँ, हर चीज़ का पता है और टीम को टीम की तरह ही लेके खेला गया और टीम को
उसी टीम के लिए खिलाया गया, ना किसी को बिना पक्षपात के लिए। तभी एक मैच फेयर मैच हुए हैं, इसीलिए सभी गांव वाले बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे मैच हुए हैं। इसीलिए मैच रेफरी केर सिंह जो कि मोरवा से हैं, कबड्डी के बारे में काफ़ी अनुभव रखते हैं, प्लेयर भी रह चुके हैं और कोच और रेफरी के रूप में लंबा अनुभव रखते हैं। इनका आज निर्णय हर मैच में बहुत बेहतरीन रहा, जिसके चलते इनको ग्रामवासियों ने सम्मानित भी किया। चौमू टीम के कप्तान, आप टीम यहाँ इतनी दूर लेके आए तो कैसा महसूस कर रहे हैं? इस गांव के अंदर आपने इस प्रकार का खेल दिखाया। पहले तो मैं सभी गांव वासियों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारा सपोर्ट करे इसके लिए, और हमारे को बहुत सपोर्ट करा पूरा गांव ने, और हमारे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे खेल के, और हम आगे भी आना चाहेंगे यहाँ पे, पूरे गांव में यहाँ पे आना चाहेंगे हमेशा। दो तीन साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं हम चौमू विजय स्पोर्ट्स में। हमारे कोच हैं दिलावर बडेसरा, जो यहाँ के नारनौल के रहने वाले हैं, तो उनसे प्रैक्टिस कर रहे हैं हम कंटिन्यू दो साल से। और हमारे स्पॉन्सर है के डी भाई, ये यहाँ के ही रहने वाले हैं, इनके बुलाने पे आए हैं यहाँ पे, इनके ये अच्छी व्यवस्था रखी है यहाँ पे हमारे लिए, और इनका धन्यवाद इनका भी, और आगे भी हम आते रहेंगे यहाँ पे, और सभी गाँव वासियों का धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमारा बहुत सपोर्ट करे यहाँ पर। ये थे चौमू टीम के कप्तान और इस समय छापड़ा टीम के कप्तान। मैं सभी ग्रामवासियों को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने शिक्षक दिवस पर इस प्रतियोगिता का आयोजन करवाया और हमें बहुत अच्छे मैच देखने को मिले, खेलने को मिले। धन्यवाद सभी ग्रामवासी। छापड़ा टीम के कप्तान बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया और ये समस्त ग्रामवासी आप देख सकते हैं, और सुबह से यहाँ पर मैच चल रहे थे कबड्डी के और शाम तक चले हैं, तो इस समय देख सकते हैं आप अंधेरा भी हो चुका है, यानी कि 32 टीमों ने भाग लिया और ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। तो इससे साबित होता है कि गाँव में भी प्रतिभाएँ हैं और शहरों में प्रतिभाएँ हैं। जहाँ पर एक छोटे से गाँव छापड़ा की टीम उपविजेता रही, तो वहीं जयपुर चौमू की टीम जो थी यहाँ पर चैंपियन बनी है, और इसमें समस्त ग्रामवासियों का सहयोग रहा है और खिलाड़ियों को यहां पर पुरस्कृत किया गया। कैमरामैन मोहित कस्वा के साथ गजानन दोबड़ा, लाइव न्यूज पिलानी।